30 सेकेंड मिनट हाँ इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इतना होगा, वो वाला जो पेशेंट होगा उसे जब मैं कहूंगा ना रोको, तो 2-3 सेकंड 4-5 सेकंड से ज्यादा नहीं रोक सकते ठीक हो गया। उसे एकदम हिचकी, वो ही कैन नॉट, ये मतलब आप घर में किसी को अगर सिचुएशन, तो यू कैन डिटेक्ट एक नॉर्मल आदमी, चाहे वो, अब वो जो नॉर्मल फ्लू की हम बात कर रहे थे, एक नॉर्मल फ्लू वाला भी 25-30 सेकंड रोक लेगा, बट इस फ्लू वाला ज्यादा देर सांस नहीं रोक सके। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये आप कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जब आपको डिफरेंशिएट करना हो रहा है, और सादा सा ये घर में आप को पता लग जाता है कि यार हाँ मैं इसको देख सकता हूँ ये क्या है, बाकी फीवर उधर भी है, फीवर इधर भी है, कफिंग हो सकती है, स्नीजिंग, ये बहुत सारे कॉमन फैक्टर है, बट ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बड़ा टिपिकल है इसके केस में। अच्छा ये हो गया, अब अगर आपका पेशेंट हो गया है कि जी इन्फेक्टेड है, उसको चाहिए कि वो खुद अप्रोच करे हॉस्पिटल को। अब जब वो हॉस्पिटल जाएगा, टेस्ट होगा, पॉजिटिव आ गया, अब अगर तो उसकी कंडीशन सीवियर है तो हॉस्पिटलाइज होगा, नहीं है तो उसे घर भेजेंगे और कुछ ट्रीटमेंट बता दी जाएंगी उसको क्या क्या करनी है, ठीक है। ठीक है। इसमें हर आदमी का हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी नहीं है, नहीं है, नो 80-90% बल्कि ये केसेस में आपको आपको कहा जाता है कि आप आइसोलेशन आइसोलेट हो जाएं घर में, एक कमरा सपोज आपका हो गया, कोई साथी वॉशरूम में वहीं हो, वहीं आपने एक 2 हफ्ते गुजारने हैं और अपनी जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बताएंगे वो आपने फॉलो करनी है। अभी हम मेडिसिन के ऊपर नहीं जाते, वो डॉक्टर्स आपको बताएंगे आपने क्या लेनी, क्योंकि आप जब किसी ले मैन को मेडिसिन बताते हैं उसका बड़ा मिसयूज है। फॉर एग्जाम्पल यही मैं जिक्र कर देता हूँ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन, ट्रंप साहब ने भी एक अपनी स्पीच में कह दी और कुछ इंडियंस उन्होंने कहा जी हम दे रहे हैं और उसका बड़ा इफेक्ट है, और आम आदमी ने बेसिकली एंटी मलेरियल ड्रग है और लोगों ने खरीदनी शुरू कर दी, आम आदमी का ये अंदाजा नहीं है, उसे यही नहीं पता कि ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और सादा क्लोरोक्विन फॉस्फेट दोनों में कितना फर्क है, दोनों अलग अलग दवाइयां हैं, और ये क्लोरोक्विन आता है वो जाके कहता मुझे क्लोरोक्विन दे दो, सपोज इट कैन किल यू, अच्छा आपको ब्लाइंड कर सकती हैं, आपके हार्ट रेट में गड़बड़ कर सकती हैं, तो इसलिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटी मलेरियल ड्रग ठीक है, ऑल्दो कि वो सीरियस कंडीशन में कम्बिनेशन में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन फॉस्फेट यूज होती है, बट वो एंटीवायरल ड्रग भी दी जाती है, एंटी बैक्टीरियल भी दी जाती है अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फार्मेसी से आपने एजिथ्रोमाइसिन भी उठा ली और ये कल मुझे क्लोरोक्विन भी दे दो खुद आके खा ली, हो सकता है आप कोरोना से कुछ गड़बड़ ना हो, आपको इस मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, सो डोंट डू दिस, बिल्कुल डोंट डू दिस, ठीक है। फिर अच्छा अब लॉकडाउन के फायदे, आप लॉकडाउन हो गए, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कहा आप अपने घरों में रहे, क्यों करते हैं ये लॉकडाउन, तो दुनिया में ये चाइना वालों ने लॉकडाउन किया तो सक्सेसफुल क्यों होंगे, अब आप ये सोचें कि आप सब घरों में बंद हो गए पूरा मुल्क, और मैंने कहा इनक्यूबेशन पीरियड है 14 दिन, तो इस 14 दिन में जो बीमार है उनको सिम्टम आ जाएंगे, ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, बट ज्यादा अब जिनको सिम्टम आ गए, खांसी आ गई, स्नीजिंग हो गई, वो हॉस्पिटल जाएगा, जैसे ही वो हॉस्पिटल जाएगा आपकी अथॉरिटीज के पास आ जाएगा कि फ्लां शख्स फ्लां आईडी कार्ड फ्लां एड्रेस फ्लां कॉन्टेक्ट नंबर से आ गया है, ये पॉजिटिव है, अब वो देखेंगे इस घर में, अब जब चूंकि लॉकडाउन है तो आप आपके साथ तो रही 3-4 लोग रहे थे, 10 लोग तो रह ही नहीं रहे थे, या आप मिल भी नहीं रहे थे, अगर आप किसी से मिले तो वो जो आपकी बाकी फैमिली है उसको क्वारंटीन कहते हैं, उनको कर दिया जाएगा, उनको अलग कर दिया जाएगा, आपको अलग कर दिया जाएगा, उनके भी टेस्ट होंगे। अब यहाँ पर सेकेंड फेज जब आ जाता है लॉकडाउन का, तो उसमें क्या चीज असल चीज आ जाती है, आप आइडेंटिफाई करते हैं जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो जाहिर हो जाएंगे जो घरों में बैठे हुए हैं, जो साथ रहते थे उनको लगा है वो जाहिर हो जाएंगे, और जिनको कुछ नहीं हुआ हेल्थी लोग थे वो भी जाहिर हो जाएंगे, यू गॉट माय पॉइंट, तो आपका कैटेगरीज बन जाएंगे इन्फेक्टेड क्वारंटाइन हेल्थी, ठीक हो गया। इस लॉकडाउन से ये चीज सामने आ जाएगी, आप छुप नहीं सकते, अब इस दौरान आपका गवर्नमेंट की अथॉरिटीज मेडिकल टीम्स और आपकी है कि जितनी से ज्यादा उनको कम से कम टाइम में इंतहाई ज्यादा टेस्टिंग, अब होगा क्या नेक्स्ट फेज में जो पाकिस्तान में हो सकता है क्वाइट पॉसिबली, जब हम घरों में रह रहे हैं जिन लोगों को है वो सामने आएंगे, प्लस है तो वो अपनी फैमिली को भी करेंगे लगेगा उनको, तो गवर्नमेंट को कम टाइम में हो सकता है अगले कुछ दिनों में हजारों हजारों टेस्ट करने पड़े एक एक दिन में, ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज पे गवर्नमेंट आएगी वो टेस्टिंग करेगी, और फिर ऐसा हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये नहीं होगा कि ये 2 हफ्ते के लॉकडाउन से आप सारे रिजल्ट्स अचीव कर लें, ये 2 हफ्ते आप घर में रहे तो सारा कुछ, क्योंकि 2 हफ्ते में तो आपको सिम्टम आए फिर आपकी ट्रीटमेंट के लिए 1-2 हफ्ते के लिए आपको क्वारंटाइन करेंगे, फिर टेस्टिंग हो रही होगी, सो दिस होल एक्सरसाइज मे टेक अप टू 2-3 मंथ्स,
मतलब ये अभी तो कह रहे हैं कि और एक 2 हफ्ते के बाद जो है मतलब ख़त्म हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि 1-2 हफ्ते के बाद ख़त्म होगा। पूरी दुनिया में एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसने 2 हफ्ते के लिए बंद की और 2 हफ्ते बाद उठा लिया हो, ये कोई सिंगल कंट्री नहीं। ठीक हो गया। चाइना क्लासिकल मिसाल है ना, वुहान तकरीबन 3 महीने लगे हुए, बिल्कुल ऐसे ही है। अब सोचिए इटली ने लगाया, दुनिया में अब तक जिस मुल्क ने लगा लिया ना उसको उठा नहीं सका वापस। इटली में तो बकायदा जेल है मेरे ख्याल से 3 महीने की, अगर कोई बाहर निकलता है। प्रेसिडेंट की बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी, उसने कहा था 15 days at home और 5 years in jail, choice is yours. ठीक। शार्प एंड टू द पॉइंट, इनसे मतलब बाहर ना निकले। असल में हमारा जैसे मैं आपको देखिए, यहाँ बैठा हूँ, यहाँ मैं आया था 8 मार्च को, 8 मार्च की शाम उन्होंने क्या किया, एक फ्लाइट आई थी, एक पेशेंट एक फ्लाइट पे आया सस्पेक्ट, और अभी तक मुल्क में नहीं फैला था ना कुछ। ऑन द सेम डेट इवनिंग मतलब प्रेसिडेंट को पता लगा, डिसीजन लिया क्वारंटाइन, तो हम एयर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिए, रेलवे ऑपरेशन बंद कर दिए, अब इंटर सिटी, अब यहाँ अब अगर मैं अभी घर से बाहर निकलता हूँ किसी चीज के लेने के लिए तो मुझे मास्क पहन के जाना जरूरी, वरना $25 का फाइन। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, कहने का। और अब इन्होंने पहले इसी तरह किया था, 2 हफ्ते के लिए किया था, फिर 3, फिर अब 1 मई तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक हो गया। अब आप अगर डेटा देखिएगा रशियन कंट्रीज का, इंटरेस्टिंग, रशिया कितना बड़ा मुल्क है, वो 220 मिलियन की आबादी है, आप देखो जरा वो किस नंबर पे है, व्हाट दे डिड, या उज़्बेकिस्तान कजाकिस्तान, ये तमाम इन स्टेट्स को आप देखें तो यू विल सी कि बड़े लिमिटेड नंबर है। क्यों सक्सेसफुल हो गए, इन्होंने केस था नहीं था लॉकडाउन कर दिया बिल्कुल ऐसा ही है। कि बाहर से लोग आए। ठीक सही हो गया। है, और जहाँ के लोग भी समझदार हैं, लोगों ने कॉपरेट किया। मैं अगर कहीं जाता हूँ मुझे तो कोई नजर नहीं आता, ना पैनिक नजर आता लोगों में, लोग अपने घरों में, हमारे यहाँ लोगों को घरों में बंद करना इज एन इशू। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम हर चीज जिम्मेदारी डालते हैं गवर्नमेंट पे, और हमें डंडे की कोम, हमें चाहिए कि बाहर आर्मी वाले ने कोई गन लेके गनशन लेके खड़ा होना तो मैं तब तक नहीं देखूंगा, ये पुलिस वाला लाठी मुर्गे, यानी वी लव टू बी मुर्गा ऑन द ऐसा ही स्ट्रीट्स, है। यू नो, मतलब हमें आपने मुर्गा वो बीइंग अ वीडियो नेशन हम लोग वीडियो देखी है जिसमें उन्होंने मुर्गा बनाया हुआ था उनको? अकल कर ले, नहीं उनको असल में हम लोगों का एहसास नहीं, हमें ये छुट्टियां हुई, हम लोगों ने सोचा कि दिस इज द पिकनिक टाइम, बच्चे खेल रहे हैं, पेरेंट्स ने किसी ने कहा इधर जाओ, किसी ने कहा उधर जाओ, दे डिडंट रियलाइज के भाई ये हमारा प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, पाकिस्तान में भी जो ना पॉलिटिक्स, हर आप देखिएगा इस वक्त क्या इशू क्या हो रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ कुछ लोग इमरान खान के गुलाम है, कुछ जरदारी के, कुछ नवाज शरीफ के गुलाम है, जहनी गुलाम है, और वो ये नहीं देखते कि उनकी बातें या स्टेप्स क्या पाकिस्तान आपके, मैं ना कहता हूँ इस वक्त आप ये ना सोचें कि वो इमरान खान है, भाई अपनी जान बचाए ना, अपने आपको आइसोलेट करें ना यार, इमरान का क्या लेना था ना, सरकारी का क्या लेना था ना यार, हाँ नो दे डोंट थिंक सो। अभी आप देखिए पाकिस्तान में शिया सुन्नी का फसाद उड़ा दिया कि यार तफ्तान से आने वाले जायरीन ने, दैट्स नॉट द केस, यस दे डिड, बट वहां एक बट है कि वहां से भी तक 5,000 के करीब जायरीन आए, इसी तरह 15,000 जायरीन उमरा से आए, बिल्कुल और यूके से वरदान में काफी पहली डेथ ट्रेवलर्स देखो, आए हाँ हैं। मैं बताता हूँ, वरदान में पहली डेथ हुई जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई, जिस बंदे ने 7,000 तकरीबन लोग इन्फेक्ट कर दिया अपने गांव में, एक बंदे ने, सिर्फ एक बंदे की गलती से, वो उम्र करके आया था, वो तो तफ्तान से नहीं आया था। ऐसी बात है। ठीक है, तो इट डोंट मिक्स थिंग्स, आप यूज, अब तो ईरान वालों का इशू भी था, वो क्या था, ईरान ने, ईरान देखें चाइना से हमने नहीं मंगाया क्योंकि चाइना में फैसिलिटीज थी, ट्रीटमेंट था, पाकिस्तानी हमने कहा नहीं लेने, चाइना गवर्नमेंट ने कहा हम इलाज करेंगे, ईरान में तो खुद हालात इतनी खराब हो गई नहीं संभाल पा रहा, तो उन्होंने भगाया कि भाई जो मुल्क से निकलो, और ये ईरानियन बॉर्डर से इमिग्रेशन करके आपके और उनके बॉर्डर के दरमियान जो न्यूट्रल एरिया होता वहां थे, पाकिस्तान क्या करते इनको, लेता ना लेता छोड़ देता, मतलब दिस इज नॉट पॉलिटिकल गिमिक्स बट एक रियलिटी है। मसलन मैं भी हूँ, जैसे आपने देखा भी 2 फ्लाइट आएंगे दुबई से और कतर से, मैं नहीं हो सकता यहाँ से, मुझे कहा गया है, मुझ जैसे और बहुत सारे पाकिस्तानियों कहा गया आप अप्रैल मिड तक इंतजार करें, शायद स्पेशल फ्लाइट चलें, क्यों कतर और उनसे उठाया गया, वो दो वो लोग इमिग्रेशन करके बोर्डिंग लेके बैठ चुके थे, न्यूट्रल जोन में आ चुके थे, वो वापस नहीं जा सकते, यू हैव टू टेक देम, सही हो गया। इंटरनेशनल रूल्स है। इसी तरह अगर तफ्तान से भी गवर्नमेंट ने उनको लिया तो ये यस गलती है, इनको वहां फॉरन एस्टेब्लिश करना चाहिए था, चेकिंग करनी, बट वही हमारे लोग है ना रुकते नहीं है, भागते हैं, लोगों ने वहां पैसे दिए, वहां से भागे, बसों में बैठ के घरों में छुपने, अभी भी कहीं छुपे हुए कि इनको ढूंढ रहे हैं, तो स्प्रेड हो गया, बिल्कुल ऐसे ही। आया तो नाउ वी आर इन अ सिचुएशन जहां पर ये है, अब वही वाली बात है, लोगों को जितना जल्दी समझ आएगा,
विल मैनेज, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। इसके जो डिजिट्स हैं, अभी आप देख रहे हैं, अभी आपके क्वेश्चन था बड़ा मजेदार एक और, कि स्पेनिश फ्लू के साथ क्या इसका इसका उसके क्या साथ मुनासिलत कितना है या नहीं, सिमिलैरिटीज हैं उसके साथ? आप सोचें, कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ बिल्कुल ही फर्क है। सिम्टम्स इसके तकरीबन वैसे हैं, क्योंकि दोनों रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करते हैं, जहां से हम सांस लेते हैं उसी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, वो भी उस वायरस ने भी यही किया था और इस वायरस भी यही कर रहा है, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट है इनका, फर्क जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। एक दो, एक तो उसने उस वक्त के हिसाब से कोई 500 मिलियन प्लस लोगों को इफेक्ट किया था, बिल्कुल 500 मिलियन प्लस। अभी ये वाला कोरोना आप देख रहे होंगे कि 4 लाख के आसपास है, यानी हाफ बिल्कुल मिलियन के टच कर रहा है। फिर उसमें जो डेथ्स हुई थी वो रिपोर्ट हो रही है 20 मिलियन टू 50 मिलियन, सम सेज 100 मिलियन। ठीक हो गया। दुनिया के सबसे बड़ी डेथ्स हुई है वो स्पेनिश फ्लू से हुई फ्लू है, से हुई है बिल्कुल डिजास्टर था वो। बिल्कुल और उसमें और इसमें एक और फर्क ये है कि उस फ्लू ने ज्यादातर यंग या कुछ मिडिल एज के लोगों को हिट किया था, ये वाला एल्डर एज के लोगों को हिट कर रहा है। अच्छा, सही हो गया। ये बड़ा एक फर्क है, प्लस ये हिट कर रहा है उन लोगों को जिनके पास ऑलरेडी कोई और डिजीज भी है। सही हो गया। सो दैट किल्स यूथ को, ये यूथ जल्दी रिकवर कर जाता है। सो आप ये कह लेंगे उसका और उसका भी ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ था, स्प्रेड हुआ था इसी तरह। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो रही थी, आर्मीज वापस जा रही थी, आ रही थी शिप्स के थ्रू, तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो फैल गया वो। इसी तरह जैसे आज के दौर में ये एक कंट्री से फ्लाइट्स दूसरे हैं। कंट्री ट्रेवल करें और फैल गया, तो मोड ऑफ आप ये कह लो कि जो स्प्रेड था वो ऑलमोस्ट सेम था। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मेरी थी कि जो यंग लोगों को हो रहा है उनके भी, मतलब उनको भी इफेक्ट, मतलब रिकवर कर जाते हैं लेकिन होता उनके लिए भी बड़ा वो है। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम ऑफ है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अल्लाह ताला ने हमारी इम्यूनिटी का निजाम या दिफाई निजाम जिसे हम कहते हैं, वो हर इंसान के पास है। आप चाहे बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन लेते हैं, एंटी वायरल मेडिसिन लेते हैं, या वैक्सीन जो हम कहते हैं, वो क्या करती है, वो खुद जाके बैक्टीरिया या वायरस को नहीं खत्म करती। ये हमारा दिफाई निजाम या इम्यूनिटी सिस्टम जाके खत्म करता है चीजों को, एंटीबॉडीज पैदा होती है वो जाके उस वायरस या बैक्टीरिया को किल करती है। तो यूथ में ये एज है कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एल्डर लोगों के, या जो ऑलरेडी से पहले से बीमार है, ऑलरेडी कंप्रोमाइज हुआ उनका इम्यूनिटी सिस्टम, तो उतनी तेजी से नहीं कर सकता। प्लस इसी में साथ साथ मैं बता दूं कि जैसे चाहे वो यूथ है, या जैसे हमने कहा कि आप प्रिकॉशन ले रहे हैं, सारे लेते रहे, जब हमने बात की स्टीम लें वो करें, या आप एक एड ऑन कर सकते हैं विटामिन सी। विटामिन सी आप नेचुरल सोर्स पाकिस्तान में कीनू बेतहाशा, आप लेमन का जूस पी, आप विटामिन सी मतलब बजाय इसके टेबलेट या वो ले रहे हो, नेचुरल मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ, वो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। ठीक है, इस हालत में जुकाम होता है नॉर्मली, हम कहते हैं ना लेमन वाली चाय पी लो, कावा पी लो। तो दैट्स द कांसेप्ट है, तो ठीक ये है आप उसमें कर सकते ठीक है। हैं। अच्छा, दूसरे एक दो क्वेश्चंस रह गए थे कि वैक्सीनेशन के बारे में बड़ी रूमर्स हैं कि 2 महीने में आ जाएगी, 3 महीने में आ जाएगी। वैसे तो मैंने सुना है कि उसको 8-9 साल लग जाते हैं वैक्सीन को किसी बीमारी के बारे में आने में। इसमें भी देखिए ये लोगों की ख्वाहिशात है, यस ट्रायल हो रहे हैं, लेकिन दो तरह की चीजें होती हैं। जब आपके हाथ में जैसे भी कुछ नहीं होता, तो मैंने कहा कि इस वक्त दुनिया में लोग यूज कर रहे हैं एंटीबैक्टीरियल भी दे रहे हैं, एंटीवायरल भी दे रहे हैं, एंटी मलेरिया कॉम्बिनेशन, डॉक्टर ने लास्ट को करना है उसको देना है। बट वैक्सीन का हमेशा कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च होती है 2-3 साल उसके ट्रायल चाहिए, ट्रायल एनिमल्स पे होंगे, ट्रायल ह्यूमंस पे होंगे, और वो भी एक अच्छे लेवल पे होंगे फिर अप्रूव होती है। बट जब इस तरह की सिचुएशन हो, मसलन हो सकता है कि 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल बाद कोई वैक्सीन ऐसी हो जो ह्यूमन पे ट्रायल ही, और सॉरी एनिमल्स पे ट्रायल और ह्यूमन पे भी उस लेवल पे ना हुई हो, और लोग अगर ये ग्लोबली फैल जाती है मतलब और स्प्रेड हो जाता है, तो आप रिस्क लें यार, अच्छा फिलहाल तो चलो ये चीज आ रही है ना, मतलब एक तरह से इसको भी आप ट्रायल का हिस्सा समझना, यूज करना शुरू कर दें। बट प्रॉपरली एज ए वैक्सीन जब आएगी, इट विल टेक सम टाइम, इट विल नॉट हैपन कि वो आज ही आ जाए, ठीक अगले हो 3 महीने गया। में आ जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, एक और ये कि अभी तो पाकिस्तान में 1,000 केसेस हैं और ये रिपोर्टेड केसेस हैं, तो कितने एस्टिमेटेड पाकिस्तान में हो सकते हैं और दुनिया में कितने होंगे बाय 6 months आगे? डब्ल्यूएचओ की जो प्रेडिक्शन है, इन प्रोजेक्शंस को देखते हुए जो करंट हमारा डिजिट है, हम 5 अप्रैल तक कोई 41 47,500 होना चाहिए, अच्छा 5 अप्रैल तक
47,500 हो सकता है, होना चाहिए उनके हिसाब से जिस तरह का ये चल रहा है। ठीक जैसे है मैंने आपको बताया कि मसलन ये 1,000 लोग आपने कहा ना, मैंने कहा 1,000 1,000 का तो आप ये सोचेंगे कि ये 10 10 लोगों से मिले तो 1 लाख तो ऐसे ही, 1 लाख तो ऐसे ही हो जाता नो गॉट माई पॉइंट। है। अब मैंने आपको एक गांव की मिसाल दी थी कि वो एक आदमी जो रगर के आया था, 7,000 को क्वारंटाइन हुआ, सब हो रहा। अब वी नेवर नो उन 7,000 में से कितने उस एक आदमी की वजह से, रिस्क इज देयर। और दूसरा हमारी नेशन का एटीट्यूड है, हम सीरियस नहीं ले रहे, रिस्क तो है भाई, बट ये वही वाली बात है कि एक इवॉल्विंग सिचुएशन होती है, आपको डे बाय डे देखना पड़ेगा। हम ये जो प्रोजेक्शन दे रहे हैं WHO, इन्होंने चाइना इटली और उनके सामने रखते हुए कि अगर इतने दिनों में इतने थे पहले, तो अगले हफ्ते 10 दिन में कितने होंगे। अब हो सकता है कि हमारे ऊपर अल्लाह का कोई करम हो सकता है कि कुछ चीजें वाकई जो आए थे वो सिर्फ जायरीन हो और वो कम एरिया में इन्होंने बंद कर दी हो, तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अदरवाइज डिजिट्स विल बी हाई इन नेक्स्ट 10 to 20 days। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। चलिए, आई थिंक मेरे तो सारे सवाल कवर हो गए हैं, होपफुली आपने भी सारे आंसर दे दिए हैं। तो देखते हैं अब इसको, लोगों को फ़ायदा हो इस वीडियो से, बना तो इसीलिए रहे हैं, होपफुली लोग इस पर समझ के ज़रा सीरियस हो जाएं तो अच्छी बिल्कुल बात ऐसे होगी। ही है, देखते हैं इम्पोर्टेंट लोगों को बहुत सारे इसमें एक और चीज भी, हम मजहबी रंग देते हैं, नहीं देना चाहिए कि अल्लाह तो अक्ल का, अल्लाह ताला ने ही हमें बताया कि जान, इंसानी जान की हुरमत भी बताई है, और इंसानी जान की जब हुरमत बताई है तो साथ ये भी बताया हुआ कि अगर आपको ये पता है कि सामने मौत खड़ी तो जान के आप जाएंगे तो खुदकुशी होगी, वो शहादत नहीं होगी। बहुत सारे लोग इसको गलत भी लेते हैं। बिल्कुल ऐसे सो ही। इसमें सारा लोगों को ये समझ जानी चाहिए कि इस डिजीज को जब वबा फैलती है उसको आप मजहब, नेशनैलिटी, जुबान, इलाकाइयत से बुलंद होकर सोचना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जान जाएगी तो आपकी जाएगी भाई। इस वक्त आप ये सोचिए, इस वक्त ये टाइम आ गया कि आप सेल्फिश हो जाओ। ये लिटरली ऐसे सही ही हो, है, सही है। मतलब आप इसमें एक और देखिए, अल्लाह ताला ने आपको कुछ और अपॉर्चुनिटीज भी दी हैं। हम घरों में नहीं रहते थे, यानी हम सोशल मीडिया यूज करते हुए, वो बहुत अच्छा है कि दूसरों एक दूसरे से मुख्तलिफ बरियाजमान हमारे रबते शुरू हो गए थे, अपने घर वालों से नहीं मिलते थे। सो अल्टीमेटली दुनिया ने हमें अपने घरों में लॉक कर दिया, अपने घर वालों से मिलो। और जैसे मजाक में यार वो भी अच्छे लोग हैं, मतलब उनसे ज्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे बिल्कुल तो यू फील बेटर कि यार ये भी एक दुनिया है। और आप देखें कि इसका दुनिया में कितना, आप अगर नासा की पिक्चर्स देखें पिछले 1 2 महीने से, तो जो आपकी ओजोन की लेयर है, जो आपका वो पोल्यूशन है दुनिया का, वो बड़ा कम हो गया। इटली में ही आप देखें, मैंने सिटी में जो उसकी वो जो आ रही है कनाल्स हैं, उनमें फिशेज आ गई, वो करीब कई सालों से आई नहीं, कितना गंद रो पोल्यूशन फैलाया होगा। तो वर्ल्ड हैज स्टार्टेड टू ब्रीथ, दुनिया अपनी सफाई कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही। उसने आपको एक छोटे से वायरस ने क्या सुपर पावर, क्या अमीर और क्या गरीब सबको लगा के ना घुटने टकवा दिए। सही आप ये बात है। सोचें कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की वाइफ मिसेज हो, ब्रिटिश की मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हो, एंजेला मर्केल के डॉक्टर हो, आपका ये सईद गनी हो, ना अमीर देख रहा है ये वायरस, ना गरीब देख रहा है ये वायरस, ना डेवलप्ड कंट्रीज देख रहा है, ना पुअर कंट्रीज देख रहा है। ठीक है, एक उसने सबको सिखा दिया भाईजान, जाहिर सी जितना बात भी है, डेवलप हो जाए ना आप बिल्कुल सही बात है। अभी तो अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि यार आप अपनी चीजों को रियलाइज करें, थिंक। ठीक है, लाइफ जितना मर्जी आप घूम रहे हैं, लेकिन एक अनदेखे छोटे सामान को से नहीं देख सकते इस वायरस को। एक वायरस पूरी दुनिया को जो ना घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, बिल्कुल घरों में बंद करा बिल्कुल ऐसे ही। दिया। चलें जी। शुरू का सवाल था इसलिए उसको सीरियस नहीं, कि दुनिया में जब इतने मुल्कों में इतने डेवलप्ड मुल्क मुकाबला नहीं कर सके तो हम कौन थे भाई। पाकिस्तान में अगर ये वबा काबू से बाहर होगी, ना हमारे पास इक्विपमेंट है, ना इतने वेंटिलेटर्स है, ना हॉस्पिटल है, ना कुछ। ये देखिए वेंटिलेटरों की बात आती है ना, कि कोई भी मुल्क के पास 2 4 5 हज़ार से वेंटिलेटर तो है, नॉर्मल हालात नहीं रखे। दिस इज समथिंग एल्स। पेंडेमिक, जब हम पेंडेमिक की बात करते हैं तो ये अल्लाह ना करेगी फैले, फैलेगी तो डिजास्टर। ठीक हो गया जी। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर कभी आगे अपडेट्स लेनी हुई तो आपको वापस बुलाएंगे। थैंक यू जी। जरूर, अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।